वालेकुम वेलकम टू शाहब एजुकेशनल चैनल दिस इज योर फिजिक्स टीचर स्टूडेंट यूनिट वन फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का हम जो है वो फर्दर नए टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी हैव द एन द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अच्छा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए एक हमारे पास एनोलॉग बैलेंस होता है एक हमारे पास डिजिटल बैलेंस होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेसिकली जो है वो डिफरेंट आईसीज के ऊपर डिपेंड uh, कर रहा होता है और एक बैलेंसिंग फोर्स का एक प्रिंसिपल होता है उसके उसकी उस प्रिंसिपल के तहत जो है वो ये बेसिकली ऑपरेट करता है चलता है सही है और एनोलॉग बैलेंस आपने देखा ही है कि उसके अंदर uh, जो है वो दो पेन होते हैं लेफ्ट पैन होता है राइट पेन होता है राइट right पेन right पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट पैन पे आप जो है वो वेट uh, रखते हैं वन uh, के जी टू के जी हाफ के जी इट डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन के वट वी हैव दिचुएशन ऑन दैट टाइम सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिजिटलिकास मीटर कहलाता है और येग किया है, इसके जो है वो फेब्रिकेट की फैब्रिकेट की गई है मल्टीपल आईसी इसका, इसका इस्तेमाल किया गया है और इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंसिंग फोर्स जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया uh, कि ये बैलेंसिंग फोर्सिस के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है स्टूडेंट डिवाइस इज टर्न ऑन एंड द सेट टू जीरो पर सेट करते हैं जैसे भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग दिख रही है, कि यहाँ पर object रखा गया है तो इसकी रीडिंग आ रही है तो इस स्केल को जीरो पर सेट करना है एंड देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्लेट फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे रीडिंग ऑन द स्क्रीन गिव द मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो जो भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आएगी स्टूडेंट वो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा और दिस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर डिफरेंट रेंज भी जो है वो एज अ ऑप्शन आपके लिए रखा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है सही है तो उसको आप माइक्रोग्राम में मेजर कर सकते हैं मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है तो उसको आप किसमें किलोग्राम में किलो मेजर कर सकते हैं जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि इसी चैप्टर के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट में हमने डिफरेंट बेफेक्सिस पढ़ी थी सब मल्टीपल ऑफ यूनिट्स पढ़ा था किलोग्राम का मास किलोग्राम का हमने पढ़ा था मास का पढ़ा था टाइम का पढ़ा था लेंथ का पढ़ा था सो so, थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं दून किलोग्राम दैट विल बी इक्वल टू टेन रेस्ट पावर ग्राम किलोग्राम दैट विल बी इक्वल टू टू रेस पावर सिक्स मिलीग्राम इसी तरीके से वन किलोग्राम दैट विल बी इक्वल टू टेन रेस्टो पावर नाइन माइक्रोग्राम एंड सो ऑन फिर आपका पीको ग्राम भी आता है नैनोग्राम भी आता है फैमटो भी आता है ओके स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ह्यूमन रिएक्शन टाइम सो मैं थोड़ा सा आपको इसके एग्जाम्पल से पहले समझा दूं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आ रहा हूँ डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पोजिशन है पोजिशन ए पर गाड़ी इंटर होगी और पोजिशन बी पर गाड़ी जो है वो बेसिकली क्या होगी बेटा लीव करेगी तो पोजीशन ए पर हम चाहते हैं कि जैसी गाड़ी एंटर हो तो टाइम इसका ऑन हो जाए टाइमर का टाइम ऑन हो जाए और पोजीशन बी पर जब गाड़ी लीव करे तो टाइमर का टाइम क्या हो जाए ऑफ हो जाए यानी कि बिल्कुल स्टॉप वॉच की तरह काम करेगा कि आपने सिंपल पेंडोलों का जब टाइम आपने नोट किया था ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट तो आप स्टॉप वॉच को रिसेट भी करते थे स्टॉप वॉच को ऑन भी करते थे ऑफ भी करते थे फिर उसका टाइम मेजर करते थे अच्छा ह्यूमन रिएक्शन टाइम क्या है स्टोन यहाँ पर बेसिकली अगर यहाँ पर कोई पर्सन या कोई भी इंसान जो है कोई भी ह्यूमन जो है वो टाइम नोट करता है कि जैसी गाड़ी इंटर हो रही है तो स्टॉप वॉच ऑन कर दिया जैसी गाड़ी लीव कर रही है सेकेंड गेट से तो स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया तो यहाँ डिले आ सकता है या तो वो जल्दी ऑन कर देगा सही या तो वो थोड़ा सा डिले लेगा जिसका यहाँ पर एयर एरर होने के चांसेस है जिसको आप कह रहे हैं रेंडम एरर इस एरर को रिमूव करने के लिए आप लाइट गेट्स का इस्तेमाल करते हैं के जैसे ही ये गाड़ी इंटर होगी तो ये लाइट इसके ऊपर जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पर टाइमर को क्या करा देगा है? ये ऑन करा देगा यानी कि जिस इंस्टेंट के ऊपर ये इन होगी गाड़ी यहाँ पर तो टाइमर ऑन हो जाएगा और जिस इंस्टेंट पर यह गाड़ी बी पोजिशन से लीव करेगी तो टाइमर क्या करा देगा ऑफ करा देगा तो यहाँ पे आपको हंड्रेड एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी एरर जीरो हो जाएगा जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो बेसिकली आपका जो ह्यूमन एरर है रैंडम एरर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो हो जाएगा

ट uh, करने के लिए इस रैंडम एरर को जीरो करने के लिए इस रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है यहाँ पर लाइट गेट का इस्तेमाल करना है अच्छा देखें ये जो डिले आ सकता है वो क्या है फॉर मोस्ट पीपल ह्यूमन रिएक्शन टाइम इज अबाउट कितना हो सकता है ऑफसेट रखा है उन्होंने पॉइंट थ्री सेकेंड से पॉइंट फाइव सेकेंड का डिले हो सकता है सो देयरफॉर फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल Light gates can be used, तो आप इस को human reaction time, random error को remove करने के लिए light gate का इस्तेमाल कर सकते हैं okay, Last time हमने मेजरिंग ऑफ द सिलेंडर पढ़ा था कि किस तरीके से आप वाटर को जो है वो बेसिकली पोर करते हैं कंटेनर के अंदर सिलेंडर के अंदर और फिर जैसे जैसे उसका वाटर लेवल हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा होता है तो वहां पे हम उसको मिलीलीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में क्यूबिक के अंदर मेजर कर सकते हैं तो यहां पर देखें उसी की पहली टाइप क्या है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें कि अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट अबाउटर और सो कैन बी मेजर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर किसी भी वॉल्यूम को बेसिकली बैस, आप बेटा अगर लीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं या मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप राइट नाउ वेन द लिक्विड इन टू cylinder, आप क्या करेंगे उस लिक्विड को सिलेंडर के अंदर पोल करेंगे uh, सिलेंडर के अंदर जो है वो जैसे ही आप लिक्विड के अंदर लिक्विड को डालना शुरू करेंगे द लेवल ऑन स्केल गिव द वॉल्यूम तो उस सिलेंडर का जो स्टूडेंट जैसे जैसे वाटर लेवल फिल होता जाएगा तो उस सिलेंडर की हाइट बढ़ती जाएगी द मोस्ट मेजरिंग सिलेंडर तो वो हाइट आपको बेसिकली क्या देगी गिव द वॉल्यूम हैव स्केल मार्क इन मिलीमीटर ये अक्सर स्केल जो तो मिलीमीटर में भी मार्क किया जाता है और क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर किया जाता है जो बेसिकलीज आर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है इसी तरह स्टूडेंट इस हम लिक्विड के वॉल्यूम की हमने बात करी अगर हम बात करें रेगुलर सॉलिड की रेगुलर सॉलिड की अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं तो यहाँ रेगुलर सॉलिड देखें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो सकता है जो मैंने डायग्राम बनाई है रेक्टेंगुलर ब्लॉक की आप देखें अगर इसको लेंथ मान लें इसको ब्रेथ मान लें और इसको आप हाइट मान लें तो इसका वॉल्यूम मेजर हो सकता है लेंथ ब्रेथ हाइट तो किसी भी हम रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला इसी तरीके से अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो क्यूब में सारी की सारी डायमेंशन क्या होंगी स्टूडेंट सेम होंगी तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट इस सिलेंडर की तो अगर मेरे पास कोई सिलेंडर अवेलेबल है मेजरिंग सिलेंडर है तो आप देखें एक तो इसकी ये हाइट है एक डायमेंशन हाइट है और दूसरा आपको इस सिलेंडर का ये फ्रंट फेस जो दिख रहा है ये सर्कल की फॉर्म में तो सर्कल का ये एरिया अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो सर्कल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट पाई पाईआर स्क्वायर तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मला क्या है बेसिकलीट इंटू ब्रेथ हाइट तो लेंथ ब्रेथ तो आपका एरिया कवर करेगा और यहाँ एरिया ऑफ द सर्कल बेसिकली क्या है पाई पाईआर स्क्वायर है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फाइनल फॉर्मले क्या बन जाएगा पाई पाईआर स्क्वायर एच अब देखेंगे जरा इसके बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ रेगुलर शेप इट्स वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड किसी भी रेगुलर शेप का और किसी भी रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट का जो है आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट का, करके दिखाया लेंथ विड्थ हाइट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर जो मैंने आपको यहाँ पर अभी सो so, स्टूडेंट हम वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड जो है वो बेसिकली फॉर्मुले uh, से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक uh, साइंटिस्ट ने क्राइटेरिया सेट किया है कि आप क्या करें एक मेजरिंग सिलेंडर लें उसके अंदर वाटर को पोर्ट कर दें और वो जो इरेगुलर सॉलिड है वो जो इरेगुलर सॉलिड है उस इरेगुलर सॉलिड को जब आप क्या करेंगे स्टूडेंट सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो देखेंगे वाटर लेवल पहले इतना था अब वाटर लेवल इतना वाइज हो गया तो आप क्या करेंगे इस आ, इसका जो इतना वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम को जब आप इनिशियल वॉल्यूम से माइनस माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास इस एरे, रेगुलर सॉलिड का क्या जाएगा? आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा एन इन रेगुलर सॉलिड इट्स वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय लोअरिंग द ऑब्जेक्ट इन अ पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर रेगुलर सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है लोवरिंग ऑब्जेक्ट इन पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर क्या पानी को क्या करें सिलेंडर के अंदर पार्शियली फिल्ड करें पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि आपने इतना पानी फिल करना है कि वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिप कर जाए इमर्ज हो जाए सो द राइज इन द लेवल ऑन द वॉल्यूम स्केल गिव द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो जो बेसिकली वॉटर का लेवल जो स्टूडेंट बढ़ रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को शो कर रहा है वो आप सब्टेक्ट कर देंगे उसके ऑरिजनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड से तो हमारे पास इस इरेगुलर सर्फेस का इरेगुलर ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट वॉल्यूम आ जाएगा सो द टोटल वॉल्यूम इज फाउंडूम ऑफ द सॉलिड इज मेजर्ड इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट एंड्रेक्टेड फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम आई होप स्टूडेंट के आपको ये टॉपिक यूनिट वन से रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक मैंने आपको डिस्कस की बहुत अच्छे समझ में आगे होंगे एजुकेशन चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज